हेलो व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कांजी बड़े की रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट और स्पॉन्जी वड़े और खट्टा तीखा कांजी का पानी। इन गर्मियों की और इस फेस्टिवल की स्पेशल ड्रिंक कांजी वड़ा कैसे बनती है, इसे देख लेते हैं। मैं पारुल जिंदल स्वागत करती हूँ मसाला सर्कल में, जहाँ टेस्ट भी और हेल्थ भी। सबसे पहले कांजी के पानी को ज़्यादा समय तक चलाने के लिए हम पानी को उबाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 लीटर करीबन पानी लिया है और इसे उबलने रख दिया है। अब ये पानी तो अच्छे से उबल गया है, अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अब बना लेते हैं कांजी के लिए मसाला। कांजी का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लिया है और इसी में हम अपने मसाले को पीसने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ली है बड़ी मोटे दाने वाली काली सरसों। तो 1 बड़ी चम्मच यहाँ काली सरसों लेंगे और आधी चम्मच लाल वाली छोटी राई, जिसे आप बनारसी राई के नाम से या अचारी राई के नाम से भी जानते होंगे। हमने यहाँ पर अलग अलग इसलिए लिया है कि काली वाली जो सरसों है उससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है और जो लाल वाली राई है इससे जो पानी है वो बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है। यदि आपके पास इनमें से एक चीज़ है तो आप उसे इतनी ही क्वांटिटी में ले सकते हैं। अब जितनी मैंने यहाँ सरसों और राई ली थी उतनी ही क्वांटिटी में इसमें डाल देंगे नमक और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च। अगर आपको मिर्च का फ्लेवर ना पसंद हो तो आप इसको बिना मिर्च के भी बना सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग। हींग से इस मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आने वाला है। और अब जल्दी से इन मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं। यह हमारा पाउडर रेडी हो गया है तो अब इसे हमें फेंटना है। मैंने यहाँ पर लिया एक थाली और उसमें डाल देंगे अपना ये सारा पाउडर और मैं डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 चम्मच फ्रेश दही और इसी दही से हम इसकी फैट लगाएंगे। राजस्थान में इसी तरीके से कांजी के पानी को बनाया जाता है। अगर आपने दही की फैट वाली कांजी वड़ी की रेसिपी ट्राई नहीं की है तो इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप दही को ना डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। इस तरीके से दही के साथ मसालों को फेंटने से इसका स्वाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया है तो अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने जार में। मेरे पास ये कांच का जार था, आपके पास बॉटल हो तो आप उसमें भी मसाले को डाल सकते हैं। बस किसी ऐसे बर्तन में ना डालिए जिसमें हमारी कांजी ख़राब हो जाए, जैसे कि एल्युमिनियम या पीतल के बर्तन। इस तरीके से कांजी के पानी के लिए कांच के बर्तन ज़्यादा बेस्ट होते हैं। अब अपने सारे मसाले को इस जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और दूसरी तरफ हमारा जो पानी हमने उबाला था वो ठंडा हो गया है। पूरी तरीके से मैंने ठंडा नहीं किया है, थोड़ा सा गुनगुना रखा है और अब इसे अपने मसाले में डाल देते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा कांजी का पानी रेडी है। अब इसे 2 से 3 दिन के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। ये 2 से 3 दिन में हमारे ये कांजी का पानी रेडी हो जाएगा। अगर आप इसे थोड़े से गर्म जगह पर रखते हैं तो ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। मेरे इस कांजी के पानी को बनने में सिर्फ 3 दिन लगे हैं और ये बहुत ही अच्छे फ्लेवर का हो गया है और इसमें बहुत अच्छी खटास आ गई है। अब जल्दी से इसे एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। हमारा ये कांजी का पानी तो रेडी हो गया है। अगर आपको मसालों में कुछ कमी लगती है तो यहाँ भी आप मसालों को ऐड कर सकते हैं। इस कांजी के पानी को और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा। इसे मैंने चुटकी भर हींग को भी साथ में भून लिया था और 1/2 चम्मच पुदीना पाउडर। आप चाहें तो डालें और पसंद ना करते हो तो ना डालें, आप इसमें फ्रेश पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस कांजी का पानी रेडी हो गया है। अब इसके लिए बना लेते हैं वड़े। वड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कप मूंग दाल और 1/2 कप उड़द दाल। मैंने यहाँ पर दोनों धुली हुई दाल ली हैं और इन्हें 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था और ये अच्छे से फूल गई है तो अब इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। और अब वड़ों को थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है तो मैं इसके लिए डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। दाल को पीसने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना है, हमें उसके पेस्ट को गाढ़ा रखना है तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। पानी को पहले थोड़ा ही डालें, ज़रूरत पड़ने पर पेस्ट के साथ भी पानी को मिलाया जा सकता है, पर एक साथ बहुत सारा पानी यूज़ ना करें। ये हमारा दाल का बिल्कुल फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं।
ये जो हमारी दाल है बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गई है, बहुत बारीकी से पीस लिया है और अब इस दाल को अच्छे से फेंटना है। तो इसके लिए या तो आप इसे हाथ से फेंट लीजिए या इस तरीके के बिस्कर वायर से कर लीजिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी इसे बीट कर सकते हैं। यहाँ दाल को एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेंगे और जैसे जैसे हमारी दाल फिटती जाएगी वैसे वैसे उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इस दाल को फेंटते हुए मुझे 2 से 3 मिनट ही हुए हैं और ये बहुत हल्की फ्लफी हो गई है और इसका कलर भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो मेरी यहाँ पर दाल बिल्कुल फिट कर रेडी हो गई है। हमारी दाल फिट चुकी है या नहीं इसको पता करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में लिया है पानी और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दाल का बैटर। और इस तरीके से अगर हमारा दाल का बैटर पानी के ऊपर तैरने लगे तो समझ जाइए हमारी दाल बहुत अच्छे से फिट चुकी है। अगर दाल का बैटर पानी में फैल रहा है तो इसका मतलब उसे थोड़ा सा और फेंटना है। बड़ों को भिगोने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में पानी ले लिया है और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे जो हमारे बड़े हैं वो अंदर तक नमकीन भी हो जाएंगे और अच्छे से फूल भी जाएंगे। अगर आपको बड़ों में हींग का फ्लेवर पसंद है तो इस पानी में थोड़ी सी हींग भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तेल को अच्छे से कढ़ाई में गरम कर लिया है और बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करेंगे, थोड़े से ही तेल में इन बड़ों को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले बैटर को लेने से पहले थोड़ा सा हाथ गीला कर लेंगे जिससे ये हाथों पर चिपके ना। और बहुत छोटे छोटे से हम अपने बड़ों को बनाने वाले हैं, तो अब जो कढ़ाई का तेल है उसके किनारों पर थोड़ा थोड़ा हम अपने दाल के मिश्रण को डालते जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़ों में गांठ बन जाती है, अच्छे से जाली नहीं बनती, या तो दाल अच्छे से आपकी फिटी नहीं है या आपने बिल्कुल सेंटर में बड़ों को फ्राई कर लिया है। इस तरीके से फ्राई करने से आपके बड़ों में बिल्कुल भी गांठ नहीं बनेगी, बहुत अच्छी जाली आएगी, बहुत ही अच्छे स्पॉन्जी और लाइट बनेंगे। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे से बड़े बना रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े बड़े भी बना सकते हैं। और बस अंगूठे की सहायता से हमें अपने बैटर को इस तरीके से किनारों पर डालते जाना है। एक बार में एक ही बड़े का बैटर लेंगे और धीमे धीमे किनारों पर इस बैटर को डालते जाएंगे। और यहाँ पर फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, बहुत ज़्यादा लो ना करें। ये हमारे जो वड़े हैं वो नीचे से बिल्कुल सिक चुके हैं, तो इन्हें चम्मच की हेल्प से नीचे की तरफ सरका देंगे जिससे ये तेल में अच्छे से फ्राई हो जाएं। और इन्हें दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये हमारे छोटे छोटे से वड़े बनकर तैयार हैं और अब इन्हें निकाल लेंगे। ये वड़े फ्राई हो गए हैं तो अब इन्हें जो हमने पानी बनाया था उसमें डाल देते हैं। वड़ों को पानी में ज़रूर भिगोएं जिससे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं आपको एक वड़ा दिखाती हूँ, ये कितना सॉफ्ट बना है, और इसे एक बार तोड़ के दिखाती हूँ, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं है और पूरे वड़े में जाली बनी है। इस मेथड से आप जब वड़ों को ट्राई करेंगे तो बिल्कुल भी गांठ नहीं पड़ेगी और जो वड़ा है वो अंदर तक सॉफ्ट और जालीदार बनेगा। अब जो हमारे वड़े हैं वो रेडी हो गए हैं, तो अब इसे जल्दी से निचोड़ कर अपने कांजी के पानी में डाल देते हैं। हमारा ये कांजी वड़े का पानी बिल्कुल रेडी हो गया है और इसे अब सर्व कर लेते हैं। तो देखा आपने, बहुत आसान तरीके से हमने इसे बना लिया। इस फेस्टिवल पर और इन गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये कांजी वड़े का पानी। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।